जनता समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। इंदौर आज ही अनलॉक हुआ और कोरोना जनजागृति फैलाने के नाम पर नेताओं और समर्थकों की भीड़ सड़क पर उतर गई। कोविड प्रभारी मंत्री के सामने टूटे नियम। इंदौर लगभग डेढ़ महीने से ज्यादा दिन तक लॉक रहने के बाद धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है। आज ही शहर को थोड़ी ज्यादा राहत मिली, लेकिन लगता है कि नेताओं को यह राहत रास नहीं आ रही है। कोरोना जनजागृति रथ यात्रा निकालने के लिए आयोजन किया गया, इसमें दिग्गज नेता पहुंचे तो उनके समर्थक भी आ गए। इसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई, सड़क तक जाम हो गई। यह स्थिति तब है जब 6 से ज्यादा लोगों को एक जगह जुटने की अनुमति नहीं है। शहर का नंदा नगर, जो भाजपा के कद्दावर नेता और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का गढ़ माना जाता है, यहाँ सोमवार को रमेश मेंदोला मित्र मंडल की तरफ से कोरोना को लेकर जनजागृति फैलाने के लिए रथ यात्रा शुरू करने के लिए हरी झंडी दिखाने कई बड़े दिग्गज नेता पहुंचे। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, विधायक रमेश मेंदोले थे। नेताओं के समर्थक मौके पर जुट गए, इससे वहां पर भीड़ ऐसी जुटी कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखी। इंदौर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट कोविड प्रभारी मंत्री हैं, वह क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की अध्यक्षता भी करते हैं। शहर को इसलिए ज्यादा छूट नहीं दी कि अभी खतरा टला नहीं है, अभी भी बाजार पूरी तरह से नहीं खुले हैं, कई दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है। इसके बाद मंत्री के सामने इस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ती रही, फिर भी वह चुप रहे। ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज़। इंतजार करिए हमारी अगली खबर का, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।